सो भाई टेम्परेचर दिखा रहा है 14 डिग्री, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। फोग आया हुआ ग्लास में, वैसे तो रेगुलर ठंडा के टाइम में यहाँ ग्लास में फोग रहता ही है। गुफी का एक दांत टूट गया, एक तो टूटा हुआ था, एक टूट के खा गया। नहीं, ये दूसरा दांत टूटा ना इसका, दूसरा दांत है और टूट के इसने खा गया लगता है। आवाज आई थी कटर कटर कटर, आवाज कटर कटर, इसने खा गया रे गुफी। गुफी दांत के खाने की चीज होती है क्या? ये गुफला खा दे। गुफी का दूसरा दांत भी टूट गया है, उससे पहले एक दांत टूटा हुआ था वो हम लोग ने संभाल के रखा है, पर अभी जो दूसरा दांत टूटा वो खुद खा लिया अभी। तो जैसे हम लोग ने कपड़ा से उसका मुंह पोंछ रहा था, अभी इसका जैसे क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो जब मुंह पोंछने लगा तो उसमें ब्लड आ गया था, तब हम लोग ने चेक किया तो दूसरा दांत टूट चुका है। वैसे भी एक साउंड आया था जोर से, तो मालूम चल गया था। और गुफी का एक दांत इधर पड़ा है, ये रहा गुफी का दांत। और गुफी का दांत को वापस से संभाल के रख देते हैं जहां से निकाले थे इसको अंदर। गुफी का ये पहला दांत है इसलिए इसको संभाल के रखा है, इसको कहीं फेंकूंगा नहीं, इसको अपने पास रखूंगा, तो यादगार के लिए एक रखा है इसका दांत। सो गाइज, अभी जस्ट प्रसाद खा के रूम में आया हूँ, तो आज है सरस्वती पूजा, तो आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। तो इसको इंडोर में किया गया, वैसे एक्चुअली करने वाले थे हम लोग बाहर, तो कल पूरा दिन भर बारिश था तो उसको पोस्टपोन करके हम लोग ने इंडोर हॉल में किया है। आज तो गाइज मौसम अच्छा है, नहीं तो कल दिन भर बारिश था जिसके कारण मेरा एक दो काम था वो पोस्टपोन हो गया। तो अभी जाऊँगा और मिस्टी भी साथ में जा रही है, उसकी मम्मी आई हुई है, तो मिस्टी को भी वहाँ छोड़ दूंगा, फिर उसको छोड़ने के बाद मैं अपना एक दो काम निपटा के फिर आते वक्त मिस्टी को ले लूँगा। तो फिलहाल अभी तो यही काम है, तो फटाफट निकलते हैं। गुफी का तो पूरा पैकिंग हो गया एकदम, अब तेरे को ठंडा नहीं लगेगा बाबू। चलो गुफी, रुको रुको रुको, चलो चलो चलो। हो फंस गया एकदम, ए निकला निकला निकला, निकल गया। जैसे चुपचाप गए थे वैसे चुपचाप वापस आ गया है वो। आप लोग ने देखा ना कितना जोरदार बारिश हो रहा था, वो जो ओला गिरा है फर्स्ट टाइम देखा हूँ ऐसा, घाटी में ओला गिरता हुआ पूरा रास्ता सफ़ेद चादर जैसा हो गया था। फिर हम लोग ने डिसाइड किया भाई वापस घर आ जाते हैं, आगे जाके फ़ायदा नहीं, और इतना ज़्यादा भयंकर जाम था ना। मिस्टी को जहाँ जाना था वहाँ कम से कम 2-3 घंटा लग जाते या उससे भी ज़्यादा लगता, बोल नहीं सकते थे इतना जाम था। तो हम लोग ने फिर सोचा कि वापस ही आ जाते हैं, और मेरा जो काम था वो तो होना ही नहीं था, जब उसका भी काम नहीं हो और मेरा भी काम नहीं हो, चुपचाप हम लोग आ गए घर। और ये जो इतना गंदा वाला जाम था ना, ये खाली लगा है क्योंकि आज सरस्वती पूजा है और ऊपर से सैटरडे, तो जितने भी कॉलेज और स्कूल्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई घूमने के लिए निकलते हैं, और खासकर मेरे को ख़राब लग रहा था लड़कियों के लिए क्योंकि उन लोग ने इतना अच्छा ड्रेसिंग करके निकला था और पूरा मज़ा किरकिरा हो गया उन लोग का। गाइस यहाँ गुफी खाना खा रहा, अपना डिनर कंप्लीट कर रही है, और यहाँ हरकू का बहुत मन चलता है, ये जब खाना खाता है ना तो हरकू का बहुत ज़्यादा मन चलता है खाना खाने का। इसका मन में कभी कभी ये आता है कि ये सोचता है गुफी का जो खाना है कैसा, तो ये मेरे को बोलते रहता चाचू एक खा लूं के उठा के। क्यों झूठा, झूठा क्या जूना अभी तो उसका फूड को टच करके फिर ऐसे स्मेल। हट हट
अब क्या झूठा झूठा कुछ नहीं क्या हमारा कुछ भी बोल। So guys, आज के लिए इतना ही रखता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय। और हरकू मेरा डेंड्रफ निकाल रहा है। हेयर में है क्या डेंड्रफ? बहुत सारे डेंड्रफ है तो टाइम लगेगा। I wake up every minute with a fever dream. I push my mind to a limit where it needs to feed. I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me.